हाय फ्रेंड्स, आज हम HDFC के BC का लॉगिन में मोर नॉट रेडी जो प्रॉब्लम है उसका वीडियो देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे अपना एजेंट आईडी डालना है, एजेंट आईडी CSC ID डालना है। CSC डाल लिया, अभी सेंड ऑप्शन पे OTP दिए। अभी OTP यहाँ पे डालने के बाद वेरीफाई OTP डालेंगे, जो कि यहाँ पे लॉगिन कर लिया। देखिए यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी पे जा रहा हूँ। बैलेंस इंक्वायरी पे जाके अभी यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर दिया, अभी थम पे यहाँ पे देखिए RD सर्विस इज नॉट रेडी। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पूरा वीडियो देखिए तभी आपको पूरा सिस्टम पता चल जाएगा। तो पहले इसका पूरा फाइल कॉपी कर लीजिए, और इसका जो सॉफ्टवेयर का लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद कॉपी रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस में अभी कॉन्फ़िगर सेटिंग में यहाँ पे आपको जाके जो देख रहा है यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन मोड पे 0 के स्पेस में 1 डाल देना है। 1 डालने के बाद अभी इसको सेव कर लेना है। सेव कर लेते हैं। तो इसको सेव कर लिया, अभी हमारा जो RD सेटिंग है उसको ऑन कर लेंगे, रन कर लेंगे। रन एस एडमिनिस्ट्रेशन करना है। रन एस एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया तो यह अभी रन होगा। तो दोस्तों ये रन हो रहा है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है, इग्नोर कर दीजिए। इसका भी रन हो रहा है, इसका ऐसे रन होते रहे, इग्नोर कर दीजिए फिर से। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए तभी आपको पता चल जाएगा। इसका जो दिक्कत है, जो BC का लॉगिन करते हैं मोरको से, उसका सेटिंग में प्रॉब्लम जो आता है उसका सोल्यूशन आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। इसको पूरा लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद अब इसका जो ब्राउज कैश है, जो मतलब जो प्रीवियस डाटा है वो क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। उस जो RD सेटिंग का जो फाइल है उसको रन करने से ऑटोमेटिक हो जाएगा, लोड हो रहा है। देखिए अभी ब्राउज क्लीन, डाटा डिलीट से हो रहा है, सब हो रहा है। तो अगर कोई भी आपको समझ में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछिए। और DGPay का जो लॉगिन है उसमें भी अगर दिक्कत आ रहा है तो आप उसका भी वीडियो हम आपको दे देंगे। तो पहले इसको देख लीजिए, जितना भी BC है मोरफो सेटिंग में जितना भी प्रॉब्लम है RD का वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, अभी हम लॉगिन करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो हम फिर से ब्राउज़र में जाते हैं। ब्राउज़र ये मोज़िला फायरफॉक्स हो है, मोज़िला फायरफॉक्स से इसका लॉगिन करना चाहिए। तो यहाँ पे HDFC BC लॉगिन पे जा रहा हूँ। BC लॉगिन का जो लिंक है वो आपको नीचे दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक पे आप जा सकते हैं। तो BC लॉगिन पे जाके अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ऊपर का जो लिंक है वो पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए अभी लॉगिन एजेंट आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। एजेंट आईडी का मतलब जो CSC है वही एजेंट आईडी है, यहाँ पे डाल देते हैं। डाल देने के बाद सेंड OTP करना है। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए तभी आपको पूरा सिस्टम पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिए।
मिट्टी भी आ जाएगा। मिट्टी भी डाल देते हैं, मिट्टी भी डालने के बाद फिर भी कर लेंगे, ठीक है। इसका तो दिक्कत है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये, बार बार इसको ये हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, मोड़ फोका में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो देखिए कैसे इसका सलूशन निकलता है। तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं अदर बैंकिंग सर्विस पे जाके, बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस के भी जाके अभी यहाँ पे जो जो ऑप्शन है इसको एग्री करना है। पहले एग्री करने के बाद इंग्लिश में कर लेते हैं और यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चर पे क्लिक करते हैं, कैप्चर पे क्लिक कर दिया। देखिए अभी हो गया आरडी रेडी, प्लीज स्कैन योर फिंगर। स्कैन फिंगर करने के बाद देखिए स्कैन हो गया। अभी यहाँ सबमिट करने से आपका बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा। ऐसे बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, विड्रॉल सब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।